हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले की पुलिस ने नकली नोट बनाने की फैक्ट्री सहित 6 सौदागरों का पर्दाफाश किया, जिसमें आरोपियों से 30,65,000 के नकली नोट, प्रिंटर कागज, कटर और उपयोग में आने वाली सामग्री बरामद की गई है। बता दें कि आगर मालवा से नोट खपाने आए सौदागरों की सूचना बलकवाड़ा थाना प्रभारी वरुण तिवारी को मिली, जिसमें पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में टीम गठित करके दबिश देकर आरोपियों को धर दबोचा। वहीं पकड़े गए आरोपियों से सघन पूछताछ के बाद मालवा में नकली नोट की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को राउंडअप करके एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। जानकारी मिली थी कुछ क्षेत्रों में जो है वो नकली नोटों के चलन की जानकारी मिली है, तो उसके आधार पर जब पुलिस ने इसको डेवलप किया, उसी तारतम्य में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो नकली नोट छुपाने की खिलाफ में है, तो इसके आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी और मौके से 5 लोगों को पुलिस ने राउंडअप किया और इन 5 की जो एक और साथी था, छठवां साथी, उसको पुलिस ने गौर से राउंडअप किया उनके बताए गए अनुसार। फिर जब इनकी तलाशी ली गई और इनके द्वारा बताए गए निशादेही पर जब इनके घरों में तलाशी ली गई, तो सभी जगह से कुल मिलाकर पुलिस को 30,65,000 के मूल्य के नकली नोट, जो अधिकतर 200-500 के, 2,000 और 500 के डिनोमिनेशन के थे, वो पुलिस को इनसे प्राप्त हुए। इसमें कुल अभी हमारी जो हमने प्रथम दृष्टया जाँच की है उसमें हमारे पास 6 आरोपी है, जिसमें 2 मुख्य आरोपी है जो मामा मंजिल रखते हैं, उसके अलावा जो अन्य 4 लोग हैं उनके माध्यम से ये अपना नोट जो है वो विभिन्न जगहों पर छुपाने का प्रयास करते हैं। सामग्री भी जब थी सर, कंप्यूटर लैपटॉप, हाँ, इनसे जो है इनके नोट छापने की जो सामग्री है, जो पेपर है जिसपे नोट छापते थे, और जो कलर प्रिंटर है, हाई क्वालिटी कलर प्रिंटर, इसके माध्यम से इनको छापते थे, वो इनसे भी जब्त किए। जो राशि छपाई गई, कितनी कुल टोटल छपाई गई, किस तरह से रिकवर की जाएगी? ये जो काम कर रहे थे इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इसमें इन लोगों ने जो बताया है वो करीब पिछले 3-4 महीने से वो इस काम को कर रहे थे, और उसमें शुरुआत में इन्होंने छोटे स्तर से स्टार्ट किया था और उसमें धीरे धीरे करके इन्होंने करीब 3 से 4 लाख रुपए पिछले कुछ महीनों में इन्होंने कमाए थे। अब उसके बाद जैसे जैसे इनका सफलता बढ़ती गई, वैसे इनका हौसला बढ़ता गया और उसके बाद इन्होंने बड़ा करने के प्रयास में काफ़ी भारी मात्रा में ये सामग्री छापी थी और इनकी कार्रवाई से पहले ही पुलिस ने इनको राउंडअप कर लिया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।